बदलेगा नीट और जी का सिलेबस, सीयूईटी का पैटर्न भी नया होगा। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चीफ विनीत जोशी ने बताया कि सीयूईटी का यह पहला साल था। परीक्षा के दौरान आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही अगले साल परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में लगातार आ रही दिक्कत के बाद एनटीए बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी को भेजे गए लेटेस्ट प्रस्ताव में नीट और जी की परीक्षा को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी के साथ मर्ज करने की बात कही है। ऐसे में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि एनटीए द्वारा अब अगले साल से जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव किया जा सकता है। मीडिया ग्रुप आईई की रिपोर्ट के अनुसार एनटीए चीफ विनीत जोशी ने बताया कि नेशनल लेवल की परीक्षाओं में लगातार आ रही दिक्कत को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। अगले साल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सब्जेक्ट्स कम किए जाएंगे। छात्रों को अतिरिक्त किसी विषय का लोड नहीं लेना होगा। सीयूईटी में शामिल होंगे सिर्फ जरूरी सब्जेक्ट्स। विनीत जोशी ने बताया कि सीयूईटी का यह पहला साल था और लोगों को उम्मीद थी कि सभी काम आसानी से हो जाएंगे। हमने प्रस्ताव पर विषय संयोजनों को सीमित नहीं करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सीयूईटी यूजी के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों द्वारा चुने गए विषयों को ही शामिल किया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न शिक्षाविदों और छात्रों के सुझावों मांगे गए थे। इन सुझावों के आधार पर हम अब संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन विषयों को ही लिस्ट में शामिल करेंगे जिन्हें छात्र आसानी से तैयार कर सकें। नकल रोकने वाली होगी सीयूईटी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चीफ ने कहा कि पिछले दो साल से एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग बहुत कॉमन हो गया है। ऐसे में सीयूईटी में पूरी तरह से नकल रोकने की कोशिश की जा रही है। चीटिंग ज्यादातर परीक्षा केंद्रों की वजह से होती है। ऐसे में हम अब एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही परीक्षा केंद्रों का खुलासा करेंगे। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्थगित होने के सवालों पर विनीत जोशी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में बदलाव मॉक टेस्ट की वजह से हुए हैं। यदि मॉक टेस्ट के दौरान कुछ टेक्निकल फॉल्ट सामने आते हैं तो हम केंद्र बदलते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए ऐसा किया जाता है।